दोस्तों, ईपीएफओ पेंशनर्स को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चले चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है महाराष्ट्र के नागपुर से। रोज लाइन में लग रहे 1000 पेंशनर, जिंदा रहने का देना पड़ रहा सबूत। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के पेंशनरों को पेंशन के लिए बैंकों में हर साल मैं जिंदा हूँ का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। ईपीएफओ इसके लिए बैंकों को तय शुल्क देता है। बावजूद इसके पिछले 3 साल से बैंकों की तरफ से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी डीएलसी नहीं दिया जा रहा है। हताश होकर पेंशनर दूर दूर से ईपीएफओ कार्यालय पहुंच कर बता रहे हैं कि मैं जिंदा हूं, मेरा प्रमाण पत्र बना दो। ऐसे में बैंक का काम ईपीएफओ को करना पड़ रहा है। ईपीएफओ के क्षेत्रीय कमिश्नर ने 2 बार बैंकों को पत्र लिखकर दोनों के बीच हुए एग्रीमेंट की याद दिलाई, लेकिन बैंक पात्रों को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ईपीएफओ नागपुर विभाग में 14,70,000 कर्मचारियों नाम दर्ज है। 50,000 से ज्यादा पेंशनर हैं जिन्हें विविध बैंकों के माध्यम से ईपीएफओ पेंशन दे रहा है। पेंशनर की मौत के बाद पेंशन उसके आश्रित को मिलती है और दोनों की मौत होने पर पेंशन बंद हो जाती है। पेंशन गलत हालतों में न जाए, इसके लिए सरकार ने साल में 1 बार पेंशनर का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट लेने के निर्देश दिए हैं। ईपीएफओ ने इसके लिए बैंकों के साथ एग्रीमेंट किया है और जितने डीएलसी बनते हैं उतना शुल्क बैंकों को ईपीएफओ की तरफ से दिया जाता है। बैंक शुल्क तो ले रहे हैं लेकिन पिछले 3 साल से पेंशनरों का डीएलसी नहीं कर रहे हैं। बैंकों से प्रमाण पत्र नहीं मिलने पर कर्मचारी चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा, गोदिया, भंडारा से ईपीएफओ नागपुर कार्यालय आते हैं। यहां हर दिन 1000 टोकन बांटे जा रहे हैं। शाम 6 बजे तक ईपीएफओ पेंशनरों के डीएलसी बनता है। 5 कंप्यूटर ऑपरेटर इनके प्रमाण पत्र बनाने में लगे हैं। टोकन नहीं मिलने से चंद्रपुर बाहर जगहों से आए पेंशनरों को बैरंग भी लौटना पड़ा है। ईपीएफओ नागपुर के क्षेत्रीय आयुक्त विकास कुमार ने एसबीआई, पीएनबी, महाराष्ट्र बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक ऑफ इंडिया व आईसीआईसीआई बैंक के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक को 2 पत्र लिखकर पेंशनरों का डीएलसी करने को कहा है। एग्रीमेंट होने की भी याद दिलाई लेकिन बैंकों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब पेंशनर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ईपीएफओ कार्यालय पहुंचकर मैं जिंदा हूं का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए मजबूर हैं। और दोस्तों, अब आप लोग कमेंट करके मुझे जल्दी से बता दीजिए आप लोग देश के किस राज्य से ईपीएफओ पेंशनर हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आके अपने राज्य का नाम, अपने जिले का नाम और आगे लिखिए ईपीएफओ पेंशनर्स, जिससे कि आगे मुझे न्यूज देने में मदद मिलती है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए। दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।